बतौर आगरा मंडल प्रभारी मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समीक्षा बैठक में बेहद ही संवेदनशील दिखे। इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भी अधिकारियों की क्लास लगाई। आगरा में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और बिजली चोरी में आगरा ईट्स के खिलाफ दर्ज हो रहे मुकदमे को लेकर डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री ने हाईडील के एक्सएन के पेच कसे। विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम ने पहले हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आज़ादी के 75वें साल में हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास हो। इसके बाद डिप्टी सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने का निर्देश दिया। इस बैठक में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर आगरा पहुँचे केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 7-8 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए विभागीय अधिकारियों की फटकार लगाई। उन्होंने DVVNL अधिकारियों से कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान तो चलाए, लेकिन नाहक परेशान करने के साथ ही FIR करने से बचें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आगरा के लिए प्रभारी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी हैं। अब वो यहाँ के इंचार्ज रहेंगे तो मुझे लगता है हर महीने समीक्षा होगी केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के, और ज़मीनी स्तर पर उनमें कितने काम हुए हैं। ऐसे सड़क उसकी, शिक्षा विभाग की, चिकित्सा विभाग की, समाज कल्याण विभाग की, मेट्रो को लेके, स्मार्ट सिटी को लेकर के, समाज कल्याण विभाग को लेकर के, REES को लेके, जल निगम को लेके, PWD को, चिकित्सा शिक्षा को लेके तमाम बातें हुई और संतोषजनक काम आगरा के प्रशासन का पाया गया। डिप्टी सीएम ने हर विभाग के अधिकारियों के पेंच कसे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। जन सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के निर्देश भी डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री ने दिए। इस समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के साथ सभी विधायक भी मौजूद थे, जिन्होंने अधिकारियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सी न्यूज़ के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।